हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता विश्नोई और आज हम डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट एंड फिल्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। बचपन से जब हम किडन गार्डन में होते हैं, नर्सरी में होते हैं, कलर्स के बारे में हमें सिखाया जाता है। प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स के बारे में, उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बताया जाता है। बट जब वो कलर कॉम्बिनेशंस थ्योरी हम लाइट में अप्लाई करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो क्या है लाइट का कंसेप्ट, क्या है लाइट की प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स, तो वो पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप देख लेंगे, जो आप किडन गार्डन में कलर्स बात करते हैं वहाँ पे प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं उन पे डिस्कस कर लेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिए कि वो उसको सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम कलर व्हील बेसिक समझते हैं। और सबसे पहले कलर व्हील बेसिक जो डिज़ाइन किया था वो सर इरिक न्यूटन ने किया था इन 1966 में। और डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, पेंटर्स सब अभी भी इसी को यूज़ करते हैं, इस कलर व्हील बेसिक्स को। इस कलर व्हील बेसिक्स में थ्री प्राइमरी कलर्स होते हैं जो कि है रेड, येलो, ब्लू। और इन थ्री प्राइमरी कलर्स को मिलके सेकेंडरी कलर्स मिलता है, और वो सेकेंडरी कलर्स होते हैं ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल। और प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करके हमारा टर्टियरी कलर्स, सिक्स टर्टियरी कलर्स मिलते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन और रेड वायलेट। अगर हम कलर व्हील में एक लाइन ड्रॉ करें सेंटर से, तो जो है वो कूल कलर्स और वार्म्स कलर्स में उसको डिवाइड कर देती है। वार्म्स कलर्स होते हैं जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, और कूल कलर्स होते हैं ब्लू, ग्रीन, पर्पल। तो जो वहाँ पे प्राइमरी, ये जो प्राइमरी कलर्स हैं या जो सर इरिक न्यूटन्स ने हमें दिया था, उसमें प्राइमरी कलर्स हमने किसको बोला था? रेड, येलो, ब्लू को। बट लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? लाइट के केस में कौन से प्राइमरी कलर्स होते हैं, कौन से सेकेंडरी कलर्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन पहले एक हम कलर्स पे आपका क्विज ले लेते हैं, जो अब तक आपने थ्योरी किडन गार्डन में पढ़ी है, जो कलर बेसिक्स आपने किडन गार्डन्स में पढ़े हैं, वहां पे आपको क्या याद है वो देखते हैं। ब्लू और येलो को मिक्स करके कौन सा कलर मिलता है, येलो और रेड को कलर मिक्स करके कौन सा कलर मिलता है, और रेड और ब्लू को मिक्स करके कौन सा कलर मिलता है। ये सारे प्राइमरी कलर्स हैं और इनको मिक्स करने पे हमें सेकेंडरी कलर मिलता है। तो ब्लू और येलो से हमें ग्रीन मिलता है, येलो रेड से ऑरेंज मिलता है, और रेड और ब्लू से वॉयलेट हमें मिलता है, ठीक है? ये सेकेंडरी कलर्स हमें मिलते हैं। बट ये थ्योरी अगर आपने लाइट में यूज की तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि लाइट में प्राइमरी कलर्स ब्लू, येलो, रेड नहीं होता है। मतलब तीनों ये नहीं, कॉम्बिनेशन ये नहीं होता है। वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन होता है तो सीखते हैं। वहां पे कॉम्बिनेशन होता है रेड, ग्रीन और ब्लू का। तो सुपर पोजिशन ऑफ टू और थ्री प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू प्रोड्यूस सेकेंडरी कलर्स। और यहाँ पे सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं? येलो, सयान एंड मेजेंटा, ठीक है? और ये हमें सेकेंडरी कलर्स देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो कलर व्हील है इसको याद करना है। और ये कलर व्हील को कैसे याद करना है? सबसे पहले रेड, फिर ग्रीन एंड देन ब्लू, ये आपके थ्री प्राइमरी कलर्स हैं। और इनको क्या करना है, अब हमें कंबाइन करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले रेड को ब्लू से मिक्स किया तो मेजेंटा कलर मिला, रेड को ग्रीन से मिक्स किया तो येलो मिक्स मिला हमें कलर, यानी येलो लाइट मिली। ब्लू और ग्रीन लाइट को मिक्स किया तो हमें सयान कलर मिला। अगर इन तीनों कलर्स को कंबाइन कर देते हैं तो व्हाइट लाइट मिलता है। ये एडिशंस हैं लाइट का, कलर्स का, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट का एडिशन है कि रेड को ग्रीन से मिक्स करेंगे तो येलो लाइट मिलेगी, ग्रीन को ब्लू कलर की लाइट से मिक्स करेंगे तो सियान मिलेगा, रेड को मैजेंटा से मिक्स करें, रेड को ब्लू से मिक्स करेंगे तो मैजेंटा मिलेगा, और अगर तीनों कलर्स को हमने मिक्स कर दिया तो हमको व्हाइट लाइट मिलेगा। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एक सब्ट्रैक्शन वाला व्हील और देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम किन क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये कलर व्हील आपको याद रखना है। अगर आपको ये कलर व्हील याद होगा तो आप फिल्टर्स के और सुपर पोजिशंस ऑफ डिफरेंट लाइट्स के को क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट आपने यहाँ देख लिया है कि जो ये कलर व्हील है, ये जो हम प्राइमरी में कलर व्हील पढ़कर आते हैं उससे डिफरेंट है। वहाँ पे जो कंबाइन कर रहे हैं वहाँ डिफरेंट कलर्स कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी कलर था येलो, यहाँ पे ये सेकेंडरी कलर हो जाता है।
चलिए सब्ट्रैक्शन और कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको ये वाला कलर व्हील याद रखना है। और इस कलर व्हील में किस तरीके से याद करना है? वैसे तो अगर आपने ये एडिशन वाला याद कर लिया तो फिर सब्ट्रैक्शन तो हम कर ही लेंगे, बस आपको ये वाला व्हील कलर व्हील याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, येलो कलर है, येलो कलर की लाइट है, येलो कलर की लाइट में से अगर रेड कलर को फिल्टर आउट करें, रेड कलर की लाइट को फिल्टर आउट करें तो हमें ग्रीन कलर की लाइट मिलेगी। अगर येलो लाइट में से हमने ग्रीन लाइट को फिल्टर आउट किया तो येलो लाइट मिलेगी। सिमिलरली अगर मैजेंटा कलर की लाइट है, अगर उसमें से ब्लू लाइट को फिल्टर आउट करें तो रेड कलर की लाइट मिलेगी, और रेड कलर को फिल्टर आउट करें तो ब्लू लाइट मिलेगी। और सियान, सियान कलर है आपके पास, तो सियान में अगर आपने ग्रीन लाइट को फिल्टर आउट किया तो ब्लू लाइट मिलेगा, और अगर ब्लू लाइट को फिल्टर आउट किया तो ग्रीन लाइट मिलेगा। और दोनों कलर्स को किसी भी सेकेंडरी कलर से हम फिल्टर आउट कर रहे हैं तो हमें ब्लैक मिलेगा, तो हमें कोई कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि कलर दोनों कलर्स को हमने एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया, तो फिर हमें कोई लाइट नहीं मिलेगी, तो ब्लैक मिलेगा। तो इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं अभी हम सीख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एमसीक्यू है, थ्री प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट लाइट है ये ध्यान रखिएगा, लाइट के केस में आंसर अलग होंगे और सिंपल कलर के केस में आंसर डिफरेंट होंगे। तो वाइट, ग्रे, ब्लैक है, सेकेंड ऑप्शन रेड, ब्लू, ग्रीन है, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, येलो, देयर आर मोर देन थ्री प्राइमरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स तो थ्री होते हैं, चाहे हम कलर व्हील बेसिक बिल्कुल प्राइमरी वाला याद कर लें, जो हम प्राइमरी सेक्शंस में किंडरगार्टन्स में पढ़ते हैं, या कलर आर्टिस्ट यूज़ करते हैं वो प्राइमरी कलर्स की बात करें, या लाइट की थ्योरी की बात करें, तो दोनों में थ्योरी में जो है प्राइमरी कलर्स थ्री होते हैं। रेड और ब्लू दोनों में होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर प्राइमरी कलर होता है लाइट के केस में, जबकि कलर्स के केस में येलो प्राइमरी कलर होता है, ये डिफरेंस है। तो रेड, ब्लू, ग्रीन प्राइमरी कलर है लाइट का, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब क्या होगा, इन तीन प्राइमरी कलर्स को मिलके सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं, तो थ्री सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, सियान, मैजेंटा, ग्रीन, सियान तो और नहीं है, ऑरेंज, येलो, वॉयलेट, रेड, ब्लू, येलो, दे आर मोर देन थ्री सेकेंडरी कलर्स ऑफ लाइट। तो सायान तो दोनों में है तो ये तो ठीक है, मैजेंटा भी सेकेंडरी कलर है तो ए और बी ऑप्शन में से है, हमें पता है ग्रीन कलर प्राइमरी कलर है तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर लाइट। तो लाइट के केस में सायान, मैजेंटा, येलो इज अ प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंबाइनिंग रेड एंड ग्रीन लाइट विद इक्वल इंटेंसिटी मेक डैश कलर ऑफ लाइट। कंबाइनिंग रेड एंड ब्लू लाइट विद इक्वल इंटेंसिटी मेक डैश कलर ऑफ लाइट। कंबाइनिंग ब्लू एंड ग्रीन लाइट विद इक्वल इंटेंसिटी मेक डैश कलर ऑफ लाइट। चूज द थ्री कलर्स इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं ब्राउन, पर्पल, एक्वा, ब्राउन, मेजेंटा, येलो, येलो, मेजेंटा, ब्राउन, येलो, मेजेंटा, सायान, एंड यहाँ पे आपको एक कलर टेबल दे रखी है कि आप किस कलर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन लिखने के लिए। तो रेड और ग्रीन को मिक्स करके येलो मिलता है, तो ए और बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन में से हो सकता है। रेड और ब्लू मिक्स करके मैजेंटा होता है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लू और ग्रीन लाइट मिक्स करके सियान कलर मिलता है, तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। वैसे भी सियान यहाँ पे जो है एक ही में था और सियान सेकेंडरी कलर होता है, अभी हमने पढ़ा, तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम क्या करते हैं, कुछ एडिशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए देके जाऊंगी, फिर कल हम फिल्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। To demonstrate your understanding of color addition, completing the following colors equation, select the color from color table, red plus blue, red plus green, green plus blue, red, blue and green, blue and yellow. तो आपको क्या करना है, आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपना कलर व्हील ड्रॉ करना है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड ब्लू से मिलेगा तो मैजेंटा, रेड ग्रीन से मिलेगा येलो,
ब्लू ग्रीन से मिलेगा सयान, और ये तीनों मिलेंगे तो व्हाइट लाइट। ठीक है, तो इससे आपके सारे कलर्स सॉल्व हो जाएंगे। रेड और ब्लू, मैजेंटा, मैजेंटा इज द एफ ऑप्शन। रेड एंड ग्रीन, येलो, येलो इज द एच। रेड ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू सियान, सियान और सियान का सी ऑप्शन है। रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट है, व्हाइट इज द डी ऑप्शन। ब्लू प्लस येलो, ब्लू प्लस येलो, ब्लू प्लस येलो। अब क्या हुआ यहाँ पे, येलो आपका सेकेंडरी कलर है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम कलर्स ऑफ लाइट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कलर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर सेकेंडरी कलर को हम किसी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस सेकेंडरी कलर्स को आप उसके प्राइमरी कलर में डिवाइड कर सकते हैं। तो येलो का मतलब क्या हो गया, रेड प्लस ग्रीन। तो ब्लू को रेड और ग्रीन से मिक्स कर रहे हैं तो व्हाइट लाइट मिलेगा, दैट इज डी ऑप्शन। ऐसा ही आप सब्ट्रैक्शन के अंदर कर सकते हैं। चलिए, तो जो आज मैं ये क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, ये मैं आज सॉल्व नहीं कराऊंगी। इसके जो आंसर हैं आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि इतने सारे कलर्स हैं, और किसी भी कलर्स को किसी से भी कलर से आप सुपर इम्पोज कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं, इवन लाइट भी मोनोक्रोमेटिक यूज करके इंसिडेंट करा सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। कलर भी याद करके आइएगा और इस क्वेश्चन को पढ़ लिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। डिमोस्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग कलर इक्वेशन। सेलेक्ट कलर फ्रॉम कलर टेबल। व्हाइट में से ब्लू सब्ट्रैक्ट किया, व्हाइट में से रेड सब्ट्रैक्ट किया, व्हाइट में से ग्रीन सब्ट्रैक्ट किया, और ब्लू और ग्रीन फिर फाइनली व्हाइट में से सब्ट्रैक्ट किया, तो कौन सा कलर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं कल वेट करूंगी, देखूंगी आपने क्या, आपको कितना समझ में आया, इसके आंसर से मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। इसलिए पोस्ट करा रही हूँ कमेंट सेक्शन में, और यहाँ पे एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा, डिफरेंट टॉपिक था ये, ऐसे नॉर्मली शायद इस पे वीडियोस उतनी है नहीं, और कंटेंट्स भी बहुत अवेलेबल नहीं है। पढ़िएगा, अपने फ्रेंड्स को, साथियों को भी बोलिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।